Hello children. Welcome to online class. प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के मंकी एंड एलिफेंट को रीड करेंगे और उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर थर्टी फोर पर ये वाली एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था इस फॉरेस्ट में इस जंगल में जितने एनिमल्स हैं उनको मैच किया था उनके नेम से ठीक है तो और यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने किए थे तो आज हम करने वाले हैं पेज नंबर थर्टी फाइव पर दिए हुए लेसन की हिंदी में ट्रांसलेशन उससे पहले इसे रीड करेंगे फिर ट्रांसलेशन करेंगे तो देखो बच्चों पेज नंबर थर्टी फाइव पर बच्चों इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इसमें दी हुई पिक्चर्स को देखते हैं और समझते हैं कि क्या स्टोरी होगी देखो इस पिक्चर को देखेंगे इसमें आपको क्या नजर आ रहा है हम्म कुछ मंकीज हैं और वो क्या कर रहे हैं कुछ तो देखो मंकीज ट्री पर है और कुछ मंकीज नीचे छलांग लगा रहे हैं और नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या है देखो हम्म hmm, ये सभी मंकीज तो एलिफेंट की सवारी कर रहे हैं तो सोचो क्या हो सकता है इस लेसन में शायद ये मंकीज एलिफेंट की सवारी करेंगे इस स्टोरी में इस लेसन में चलो बच्चों करते हैं रीड लेट स्टार्ट रीडिंग अ ग्रुप ऑफ मंकीज वॉज प्लेइंग ऑन अ ट्री इन अ जंगल एक जंगल में एक पेड़ पर बंदरों का एक समूह खेल रहा था देखो बेटा अब यहां पर मैं आपको यह भी बता देती हूं यहां क्या लगा है वोज लगा है वोज मतलब था वोज क्या है सिंगुलर वर्ब है और इसकी प्लूरल वर्ब होगी वर यहां पर क्या लगा है वोज लगा है अब आप इस कंफ्यूजन में होगी कि यहां पर तो मंकीज लिखा है तो यहां वोज कैसे लगा आपको बता दूं देखो यहां क्या है अ ग्रुप ऑफ मंकीज है मंकीज नहीं है

एक है कितना है एक है समूह समूह तो एक ही है ना तो इसीलिए यहां पर वॉज लगा है ठीक है आई बात समझ में अब आगे देखो सडनली दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट ट्रम्पेट अब इसमें क्या देखो सडनली सडनली का मतलब है अचानक बच्चों मैं जिसका भी मीनिंग आपको बताती जाऊं ना इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग हिंदी में बताऊं तो आप यहां हिंदी में लिख लेना आगे आपको आसानी होगी क्या करने में इसकी ट्रांसलेशन करने में और आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे जब देखोगे ना बार बार लिखे हुए हिंदी में इनकी मीनिंग तो आपको लर्न हो जाएंगे जल्दी से और आसानी से तो अचानक दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट उन्होंने एक हाथी की चिंगाड़ Trumpet क्या होता है चिंगाड़ एक हाथी की चिंगाड़ की जोरदार आवाज सुनी तेज आवाज सुनी लाउड मतलब तेज जोरदार तेज आवाज सुनी द मंकेज अफ्रेड बंदर डर गए दे रैन अप एंड डाउन द ट्री वे पेड़ पर ऊपर नीचे भागने लगे नेक्स्ट है सून द एलिफेंट केम वेरी क्लोज टू द ट्री जल्दी ही एलिफेंट हाथी पेड़ के बहुत नजदीक आ गया अ लिटिल मंकी मंकी अप एट द एलिफेंट एंड स्माइल्ड एक छोटे बंदर ने हाथी की तरफ ऊपर देखा या फिर कहीं नजरें उठाकर ऊपर देखा एंड और स्माइल की मुस्कुराया देखो बच्चों तो होता है हसना, और स्माइल होता है मुस्कुराना हाँ लिखा मुस्कुरा मतलब मुस्कुराया नेक्स्ट है द एलिफेंट अप द लिटल मंकी एंड पुट हिम ऑन हिज बैक हाथी ने छोटे बंदर को उठाया अप उठाया और एंड मतलब और पुट हिम ऑन हिज बैक उसे अपनी उसे अपनी उसे पर पर मतलब पीठ बिठा लिया। लिटिल मंकी श्रिग्ड विद जॉय श्रिग्ड मतलब चीखा या चिल्लाया विद जॉय खुशी के साथ मतलब खुशी के कारण ठीक है छोटा बंदर खुशी के साथ जो है खुशी खुशी के साथ चीखा या चिल्लाया अब उसको मजा आया जब उसने एलिफेंट राइड की हाथी की सवारी की अब देखो आगे द अदर मंकीज सॉ दिस अन्य बंदरों ने यह देखा बच्चों देखो यहाँ सॉ लिखा है ना यह है सी की सेकंड फॉर्म है सी मतलब देखना और सी सॉ सीन सेकेंड फॉर्म वर्ब की फॉर्म है सौ मतलब देखा वन बाय वन दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्री ऑन द एलिफेंट्स बैक एक के बाद एक वन बाय वन मतलब एक के बाद एक एक करके वे पेड़ से कहा कूदे ड्रॉप मतलब कूद गए एलिफेंट्स बैक हाथी की देखो बेटा यहां पर क्या है यह है इसमें एलिफेंट्स का मतलब क्या है जब ये किसी के भी साथ लगता है तो उसका मीनिंग आता है का के की साथ में लगता है अब यहां क्या लिखा है एलिफेंट्स मतलब हाथी की बैक मतलब पीठ हाथी की पीठ पर ठीक है अब क्या है इसका मीनिंग एक के बाद एक वे पेड़ से नीचे हाथी की पीठ पर कूद गए द एलिफेंट स्टार्टेड मूविंग मतलब हाथी ने चलना शुरू किया द मंकीज हैड अ जॉली गुड एलिफेंट राइड बंदरों ने हाथी की जॉली गुड बहुत अच्छी सवारी का आनंद लिया तो बच्चों ये तो था लेसन अच्छा था ना आपको क्या करना है आपको ये रीड करना है और इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी करनी है तो बच्चों आज के लिए इतना ही इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और हाँ बच्चों इसके सभी पार्ट्स देखने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और हाँ बच्चों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बच्चों